तोरा भी नहीं करना कितना है जूम करना ना सागर और कमेंट्री बता रहे ना कौन बैटिंग कर रहा क्या है सब कुछ भी बिना बैटिंग ऐसे शॉट मारे और मारा के नहीं क्या पाजी माहौल थोड़ा सा ढीला सा है पता देगा तो मैं इसको डालू कैसे रहा यहाँ पे टॉस बॉल में हरकत भी दिखने को मिली है और यहाँ बॉलर अपनी ओवर की पहली गेंद लेके अच्छा डिफेंस और एक रन चुराया यहाँ बॉलर अपनी ओवर की पहली गेंद लेके अच्छा डिफेंस और एक रन चुराया बैट्समैन थोड़े ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में लग रहे थे इसलिए वो बहुत ही अच्छी लाइन पे गेंद इस ओवर में तक दो गेंद हुई है और एक विकेट मिली है बहुत ही अच्छा ड्राइव और चार रन चौके के साथ ऑफ द मार्क हुए बल्लेबाज बहुत ही अच्छा शॉट था ये स्ट्राइक में कौन स्ट्राइक अंकित हर्षित बहुत जोरदार अपील पर अंपायर का फैसला नॉट आउट रन कितना का उसका हो गया तेरा हाँ हाँ और इसका स्कोर आइस पर 27 पर 2 देख रहे ये स्कोर है 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर PSA का पंजाब की टीम जो है हस्ती स्ट्राइक पे है पैरों पे फुल टॉस गेंद और फ्लिक 4 रन बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं अगली गेंद बहुत ही अच्छी कैरी कीपर के पास और अच्छी लाइन लेंथ पे भी थी ओवर की अगली गेंद बहुत ही अच्छी लाइन लेंथ और टैप करके सिंगल चुराया अपील तो की फील्डर्स ने पर बल्लेबाज ओवर की अगली गेंद स्ट्राइक पे साहेब अच्छा डिफेंस कोई रन नहीं ओवर की अगली गेंद देखते हैं इस गेंद पे क्या होता है बोल्ड बहुत ही अच्छी गेंद थी बल्लेबाज कुछ नहीं समझ पाए और बोल्ड हो गए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए खिलाड़ी की टीम की गेंदबाज Thank you.
अगली गेंद ओवर की, अच्छा डिफेंस और तेज सिंगल चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज, अच्छी रन बिटवीन द विकेट्स। यहाँ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 33 रन। बहुत सारे और पीसीए क्लब में थोड़ी परेशानी का माहौल है क्योंकि उन्होंने 3 विकेट दिए। यहाँ लेफ्ट आर्म स्पिनर है, पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, कुछ ना समझ पाए कोई संपर्क नहीं। यहाँ ओवर की अगली गेंद, फील्डर को आगे बुलाया गया है, फिर से बहुत अच्छी गेंद, ड्राइव मारने का प्रयास पर कोई संपर्क नहीं। यहाँ अगली गेंद ओवर की, चंदू पंच अच्छा डिफेंस, रन लेने का सोच थी पर वापस लौट आया हर्षित ने जो नॉन स्ट्राइक पर है। ओवर की अगली गेंद अच्छी थी, अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक गेंदबाज, फिर से अच्छी बॉल, फील्डर ने डाइव मार के रोकने का प्रयास और फ्री में एक रन दे दिया, अगर वो ड्राइव नहीं मारते तो शायद एक रन बच सकता था। बहुत ही अच्छा बैटिंग हर्षित के द्वारा, अच्छा डिफेंस, कोई रन नहीं। यहाँ चंदू स्ट्राइक पे तैयार है, देखते हैं इस पहली ओवर की पहली गेंद का सामना किस प्रकार करते हैं। यहाँ ओवर की पहली गेंद, डिफेंस करने का प्रयास पर अच्छी गेंद थी, कोई संपर्क नहीं हुआ। चंदू थोड़ी परेशानी में लग रहे हैं, काफ़ी बॉल खेल लिया उन्होंने पर बस अभी तक 2 ही रन बनाए हैं। यहाँ ओवर की अगली गेंद, देखते हैं इस गेंद पे क्या होता है। अच्छा डिफेंस पर स्लिप के फील्डर ने अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं। अगली गेंद, यहाँ सुंदर ड्राइव, एंटी फील्डर के थोड़ी आगे गिरी गेंद, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दिखी दोनों बल्लेबाजों के बीच में, 2 रन शायद हो सकते थे पर। स्ट्राइक पे अभी सोहेली हैं, हेलमेट उन्होंने अंपायर को दे दिया है, देखते हैं इस गेंद पे क्या होता है। कट मारने का प्रयास पर कोई संपर्क नहीं, हाइट गेंद। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहा है खिलाड़ी के गेंदबाज, उसे सोच हो कि वो वाइट पे कंट्रोल रखे। फिर से बहुत अच्छी गेंद, अच्छा डिफेंस सोहेल के द्वारा, कवर के हाथ में, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, यही तो मेरा प्रेशर। यहाँ अगली गेंद, अच्छी गेंद, कट मारने का प्रयास था, पहले ही बैकफुट पे चल गए बल्लेबाज सोहेल, कोई संपर्क नहीं। यहाँ ओवर की अगली गेंद, ओ बहुत ही अच्छा गेंद और सोहेल, थोड़ा सा हुआ था, एज लगी थी बैट से और वो कैच आउट हो गया।
पांच विकेट गिर चुकी है 35 रन के स्कोर पे, आधी टीम पवेलियन में 5 विकेट के नुकसान पे। वापस से लेफ्ट आर्म स्पिनर को बुलाया गया है, स्ट्राइक पे है चंदू, अच्छा कट शॉट पर फील्डर के हाथ में, एक रन चुराया, अच्छी रनिंग। अब देखते हैं राजा क्या करते हैं। अपनी पहली गेंद खेलते हुए, अच्छा डिफेंस फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए खिलाड़ी के गेंद फील्डर, और बॉलिंग भी अच्छे करते हुए गेंदबाज। देखते हैं अगली गेंद तक क्या होता है। फिर से अच्छा डिफेंस राजा के द्वारा, ओवर तो बहुत सारे पड़े हुए हैं पर विकेट कम है। अब दोनों बैट्समैन, अब दोनों बैट्समैन से उम्मीद होगी कि वो पार्टनरशिप जमाए। अच्छी अपील की फील्डर्स और गेंदबाज ने, पर अंपायर का फैसला नॉट आउट। दोनों फील्डर से अंपायर के कानों में जू तक नहीं रहेंगी उनकी अपील से। बैट बल्ला घुमाया जोर से राजा ने, पर बस एक रन मिला लॉन्ग ऑन के हाथों में। चंदू वापस से स्ट्राइक पर, अब टीम का सारों दारोमदार उन पे ही है। राजा ऑफ द मार्क हो चुके हैं एक रन बना के। देखते हैं चंदू क्या करते हैं। फिर से कट शॉट, सेम फील्डर के हाथ में गया बॉल, रन आउट का चांस था पर बॉलर गेंद को पकड़ नहीं पाए इसलिए एक रन मिला। लाइव ब्रॉडकास्ट, लाइव प्रसारण skbsports.tk पे हो रहा है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ ग्राउंड में मौजूद नहीं है तो आप मोबाइल में भी उस ऐप के द्वारा मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। फ्री ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ ओवर की अगली गेंद, बॉल अंदर आई और बल्ला लगा, थोड़ी दिक्कत में नज़र आते हुए चंदू। यहाँ PSA की टीम बहुत ही खराब स्थिति में है, 39 रन उनके पास विकेट गिर चुके हैं। यहाँ अगली गेंद, अच्छा ड्राइव पर फील्डर ने भी उतनी ही अच्छी प्रयास की और बॉल को बचाया आगे जाने से, और एक रन। यहाँ स्ट्राइक पे आ गए हैं राजा, देखते हैं अब राजा क्या करते हैं। उनसे उम्मीद होगी कि वो भी चंदू का साथ दे और टीम का स्कोर को आगे तक ले जाएं। शॉर्ट गेंद, डिफेंस, बहुत ही अच्छी फील्डिंग पर एक रन नहीं बचा पाए। बहुत ही चुस्त फील्डर लगते हुए खिलाड़ी के, कोई मौका नहीं दे रहे हैं पतरातू के बल्लेबाजों को कि वो रन चुरा सके। बहुत ही मुश्किल से एक दो रन करके आगे बढ़ रहे हैं, कोई बाउंड्री नहीं लग रही है उनके बल्ले से। देखते हैं अगली गेंद पे क्या होता है। फुल टॉस, बल्ला बहुत जोर से घुमाया था पर कोई संपर्क नहीं, सीधे कीपर के दस्तानों में लगी, कोई रन नहीं। बॉल जूते पे लगी थी कीपर की, बल्ला घुमाया है फील्डर पीछे और आसान सा कैच, 6 विकेट गिर चुकी है पता तो। उम्मीदों को लेकर ग्राउंड में उतरे बल्लेबाजी करने के लिए, देखते हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। अच्छा डिफेंस, तेज सिग्नल से आने की कोशिश और रन आउट, राजा भी रन आउट हो गए।
वहाँ विकेट की झड़ी लग गई है, विकेट की बारिश हो रही है, 10 के 10 विकेट लगता है 50 के अंदर ही गिर जाएंगे। बल्लेबाजी के लिए आए हैं दोनों ही बल्लेबाज, ने एक रन भी नहीं बनाई अभी तक, 0-0 दोनों का स्कोर है और टीम का स्कोर 41 रन पे 7 विकेट है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक खिलाड़ी के गेंदबाज, पेसर ने भी अच्छी गेंदबाजी की और स्पिनर भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद मोनू ने टैप करके सिंगल चलाने की कोशिश, पर कोई रन नहीं। कोई मौका नहीं दे रहा है खिलाड़ी के फील्डर की पदार्थों के बल्लेबाज रन चुरा सके, बहुत प्रेम है अभी पदार्थों की टीम, 7 विकेट गिर चुकी है। अगली गेंद वहीं पे डिफेंस किया मोनू ने, कोई रन नहीं। हम दे सकते हैं यहाँ ओवर की अगली गेंद, फिर से डिफेंस, कोई रन नहीं। दोनों बल्लेबाजों को यही जरूरत होगी कि वो टिक के खेले और कम से कम पूरे 20 ओवर तो खेले, क्योंकि वो अगर वो खड़े रहेंगे तो रन अपने आप बनेंगे। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी लाइन पे थी पर डिफेंस किया, फिर से कोई रन नहीं। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है अभी गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही चुस्त फील्डर भी हैं खिलाड़ी की टीम में, देखते हैं अगली गेंद पे क्या होता है। फिर से डिफेंस मोनू का, कोई रन। ओवर की पहली गेंद आगे ऑफ से घसीट के लेग में सिंगल चुराया, फील्डर की थोड़ी मिसफील्ड, बड़ा रन आउट हो सकता था, पर इस समय स्थिति पूरी तरह से खिलाड़ी के टीम के पक्ष में है। यहाँ देखना होगा अगली गेंद पे क्या होता है, गेंद थोड़ी बाहर थी वाइड, पिछले 3-4 ओवर में एक चौका नहीं आया है, बहुत मुश्किल से सिंगल डबल हो पा रहा है। यहाँ ओवर की अगली गेंद लेग साइड में सिंगल लेने का प्रयास था पर कोई रन नहीं। यहाँ रिटर्न कैच पर कैच टपकाया बॉलर ने, यहाँ कैच टपकाते हुए बॉलर थोड़े प्रेशर में होंगे, डिफेंस करते हुए नहीं हुआ टाइम नहीं मिला था, देखते ना यार शॉर्टकट में देख लिया बहुत जल्दी से शॉट चलेगा। यहाँ अगली गेंद ओवर की मोनू बल्ला घुमा रहे हैं पर संपर्क कुछ नहीं हो रहा है, उनका कैच भी टपकाया गया, उन्हें एक जीवनदान मिला है, देखते हैं जीवन देखते हैं कि अब अगली गेंद पे क्या होता है। ऑन स्ट्राइक पर बहुत ही अच्छी लाइन पे गेंदबाजी, टी ट्वेंटी मैच में टेस्ट वाली फील्डिंग लगाई गई है क्योंकि गेंदबाजी ही इस प्रकार की हो रही है। यहाँ अगली गेंद पल्ला तो लगाने के प्रयास की एज लगी और कूद के
बचाया 4 रन फील्डर ने, बहुत ही मुस्तैद फील्डर हैं खिलाड़ी के। डाई मारने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं, डाई मारने से पहले सोचते तक नहीं। अपनी टीम के लिए रन बचाने के लिए सबसे जरूरी है। प्रेशर में है पवन, देखते हैं गेंद पे क्या करते हैं। यहाँ अगली गेंद, डिफेंस, कोई रन नहीं। बहुत ही मुस्तैद फील्डिंग करते हुए यहाँ खिलाड़ी के फील्डर्स। पवन है स्ट्राइक पर 43 रन के स्कोर पे, यानी 43 रन के स्कोर पे 7 विकेट गिर चुके हैं। फिर से डिफेंस, इस समय रांची के खेमे में बहुत खुशी का माहौल होगा। और रांची के खेमे में परेशानी का माहौल। यहाँ अगली गेंद, बल्ला जोर से घुमाया और 4 रन बटोरा। बहुत देर के बाद एक चौका आया, ये जीवनदान टाइप का चौका निकला है पवन के बल्ले से, क्योंकि इतने देर से वो संजीवनी बूटी, ये चौका साबित हुई है बतातु की टीम के लिए। अगली गेंद, डिफेंस पवन का, अच्छी सोच, एक चौका मारने के बाद वो डिफेंस कर रहे हैं। ओवर की समाप्ति, यहाँ स्ट्राइक पे मोनू है और वापस से राइट आर्म ऑफ स्पिनर जो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक, उन्हें वापस लाया गया है। देखते हैं कि अब मोनू क्या करते हैं। एक तरफ से पवन ने रिस्क लेना चालू किया है, पिछले ओवर में उन्होंने एक चौका भी बटोरा, देखते हैं इस ओवर में क्या होता है। अभी भी स्कोर 47 पे 7 ही है। अगली गेंद, वाइड गेंद, कुछ ज़्यादा ही बाहर डाल दी। यहाँ अगली गेंद, बल्ला घुमाया बहुत जोर से पर कोई संपर्क नहीं। यहाँ बच्चे मैच का लुत्फ उठाने के लिए ग्राउंड में आ गए हैं, लगता है इन बच्चों को मैच का बहुत आनंद लेने का मन है। बहुत ही लंबा वाइड इस बीच बॉलर के द्वारा, इनमें थोड़ी लाइन लेंथ को सुधारनी होगी। यहाँ बहुत ही अच्छी गेंद इस बीच बॉलर के द्वारा, कुछ न समझ पाए। बल्लेबाज मोनू, बॉल अंदर आई थी पर बल्ला लगाया और शायद यहाँ 2 रन ले लेंगे क्योंकि फील्डर की मिसफील्ड थी। 3 रन हो सकती थी पर मना किया पवन ने, 2 रन इस गेंद पे आए। टीम का स्कोर 51 रन, टीम की 50 तो हो चुकी है। देखते हैं कि किस प्लेयर की 50 होती है। बल्ला बहुत जोर से घुमाया था इस बीच पर कोई संपर्क नहीं मोनू के बल्ले से। बाहर की गेंद पे, हर गेंद पे बल्ला चलाते हुए हैं मोनू, जहां उन्हें हल्की सी रूम मिल रही है वो बल्ला चला रहे हैं। देखते हैं इस गेंद पे क्या होता है। शॉर्ट गेंद, घूम के बल्ला चलाने का प्रयास, अपील तो की गेंदबाज ने पर अंपायर का फैसला नॉट आउट। यहाँ अगली गेंद बॉलर की, मोनू बल्ला ने बल्ला घुमाया, बॉल बहुत ऊंची गई है, 6 रन मोनू के बल्ले से, बहुत ही तगड़ा। यहाँ
लुत्फ उठाते हुए पहला छक्का मारा है मोनू ने। उन अब टीम की उम्मीद उन पे बहुत बढ़ गई होगी। लाइन अभी काले है क्या? कुछ नहीं काट चुके हैं। यहाँ प्लेयर्स को थोड़ा जास्ते परखते हुए पवन लगती उनकी सोच है कि इस गेंदबाज पे प्रेशर बनाए। थोड़ी फील्डिंग पोजीशन को देखते हुए देखते हैं अब इस ओवर की पहली गेंद पे क्या होता है। अच्छा डिफेंस और एक रन चुराया। यहाँ अगली गेंद ओवर में मोनू ने जाने दी क्योंकि ये बॉल बहुत बाहर थी। वाइड गेंद यहाँ ओवर की अगली देखते हैं अब बॉलर कहाँ पे गेंद डालते हैं। फिर से मोनू को लगा कि ये वाइड गेंद होगी पर पैड पे लगी गेंद। यहाँ देखते हैं अगली गेंद पे क्या होता है। अच्छा डिफेंस और एक रन चुराया मोनू ने। टीम के स्कोर को 60 रन तक लेके गए हैं। टोटल बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों। यहाँ और की अगली गेंद शॉर्ट गेंद और शायद कुछ ज्यादा ही ऊपर थी इसलिए अंपायर का फैसला वाइड। पिछले टीम को कम से कम स्कोर पे ऑल आउट कर सके। यहाँ अगली गेंद फिर से वाइड थी पर बल्ला लगाया और बल्लेबाज पे फील्डर की थ्रो लगी पर बल्लेबाज बहुत हिम्मती दिख रहे हैं। उन्हें कोई भी चोट नहीं है। अच्छी फील्डिंग खिलाड़ी के फील्डर के द्वारा और रनिंग बिटवीन द विकेट भी उससे भी बढ़िया। यहाँ अगली गेंद फुल टॉस थी पैरों पे। मोनू ने एक रन के लिए टैप किया और सिंगल चुराया। मोनू थोड़े अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक छक्का भी किया। फील्डर्स को थोड़ा जास्ते पर रखते हुए विकेट टू विकेट गेंद फेंकी और अच्छा डिफेंस कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 63 रन यानी 63 रन। अभी तक इस गेंदबाज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। स्ट्राइक पर है मोनू देखते हैं क्या करते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद थी करते हैं। एक तरफ से पवन 7 रन बना के खेल रहे हैं। टीम का स्कोर है 63 रन पे 8 विकेट। यहाँ अगली गेंद अच्छी पल्ला चलाया शुभजीत ने पर सीधे बॉलर के हाथ में लग गई। इतना वहां का भी यहाँ अगली गेंद शुभजीत तैयार है फिर से बल्ला घुमाया और मिड ऑफ के हाथ में एक रन। सच में सर यहाँ
अगली गेंद का सामना करेंगे पवन, देखते हैं वो किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। टीम को पवन से बहुत उम्मीदें होंगी, देखते हैं अगली गेंद पे क्या होता है। विकेट पे गेंद थी, अच्छा शॉट खेला, थर्ड मैन के हाथ में एक रन। शुभजीत वापस स्ट्राइक पे आ गए हैं। अब बॉलर की सोच होगी कि वो जल्दी से ऑल आउट करें और शुभजीत की सोच होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए क्योंकि ओवर बहुत सारे बाकी हैं। अच्छी गेंद, शुभजीत ने बल्ला घुमाया पर कोई संपर्क नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और कीपर के हाथ में अच्छी तरीके से कैरी करते हुए गेंद। शुभजीत अगली गेंद के तैयार, देखते हैं कि अगली गेंद पे वो क्या करते हैं। जोर से बल्ला घुमाया है पर फील्डर की अपनी ही गेंद पे बहुत अच्छी फील्डिंग और कोई रन नहीं। बहुत अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन खिलाड़ी के। पवन स्ट्राइक पे तैयार, देखते हैं इस गेंद पे क्या होता है। पैडों पे गेंद और तेज सिंगल चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने। थोड़ी मिस फील्डिंग फील्डर के द्वारा, रनआउट का मौका बन सकता था। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों ही बल्लेबाजों, देखता है कि वो पहली गेंद पे क्या करते हैं। यहाँ अगली गेंद, बॉर्डर रनर के साथ तैयार। अच्छी शॉट मिड विकेट के हाथ में एक रन के लिए। शुभजीत की सोच है कि वो हर सिंगल को डबल में तब्दील करे पर पवन उनका साथ नहीं दे पा रहे। यहाँ अगली गेंद, अच्छा डिफेंस पवन के द्वारा। आ गया, यहाँ अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज। यहाँ अगली गेंद, अच्छी रनिंग फिर से फील्डर के द्वारा, मिस फील्ड। फील्डर के द्वारा एक बार और मिस फील्ड हुई इसलिए दो रन चुराने का मौका मिला। टीम का स्कोर 69 पहुंच गया है। पवन वापस स्ट्राइक पर आ गए हैं जिन्होंने अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है। 10 रन की व्यक्तिगत स्कोर पे खेल रहे हैं। फिर से फ्लिक, देना देना। यहाँ शुभजीत स्ट्राइक पर, देखते हैं क्या करते हैं इस गेम पे। जोर से बल्ला घुमाया पर बॉल नीचे रह गई इसलिए कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति। यहाँ फिर से पेसर को बुलाया गया दूसरे इंड से। यहाँ पहली गेंद के साथ ओवर की 17वें ओवर की, अच्छा शॉट पवन के द्वारा, तेज सिंगल चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। सत्रहवां रनिंग, मुंचू
उड़ गया तो बहुत मारेंगे। यहाँ सुभजीत वापस से स्ट्राइक पे आ चुके हैं, देखते हैं कि इस ओवर में क्या कैसे बल्लेबाजी करते हैं। बल्ला तो घुमाया था, गेंद लगी पैरों पर और कोई रन नहीं। यहाँ सुभजीत वापस से स्ट्राइक पर, अच्छी गेंद, सुभजीत को लगी गेंद वाइड है। बहुत ही अच्छा गेंदबाजी करते हुए शॉर्ट गेंद पुल करने का प्रयास, पर अच्छा से संपर्क हुआ नहीं और बस एक रन। पवन वापस स्ट्राइक पर आ चुके हैं। किस प्रकार से सुभजीत स्ट्राइक पर है, देखते हैं सुभजीत किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। शॉर्ट गेंद, बल्ला घुमाया, फील्डर ने हिला तक नहीं, पता नहीं ऐसा क्यों, सीधे चार रन जाते। यहां देखना होगा कि इस गेंद पे क्या होता है। निकल के चार रन मारा पवन ने, बहुत ही अच्छी शॉट पवन के द्वारा। अच्छी गेंद, बल्ला लगाने का प्रयास पर कोई संपर्क, पवन अगली गेंद पे किस प्रकार बल्लेबाजी करेगा। अच्छी गेंद, फिर से विकेट से थोड़ी ही दूर थी पर बच गए पवन। अगली गेंद, फिर से अच्छी गेंद, बल्ला लगाने का प्रयास पर कोई संपर्क नहीं। यहां अगली गेंद, पैरों पे गेंद, सिंगल लेने का प्रयास और आसानी से सिर्फ एक रन चुराया। देखते हैं विशाल किस प्रकार फेस करते हैं। बल्ला बहुत जोर से घुमाया पर कोई संपर्क नहीं विशाल के बल्ले से। ओवर की समाप्ति। देखते हैं कि अगली गेंद पे क्या होता है। पवन ने जोर से बल्ला घुमाया और फील्डर के हाथ में, क्योंकि पॉइंट फील्डर को पीछे करके रखा, पवन को स्ट्राइक पर ला सकते हैं। जोर से बल्ला घुमाया है पर फील्डर पीछे रखा हुआ था खिलाड़ी की टीम ने, इसलिए बस एक रन स्ट्राइक पे वापस आ गया पवन। देखते हैं अगली गेम पे क्या होता है। बॉल लाइन पे गेम थी, सिग्नल चुराया पवन, स्ट्राइक पे विशाल। अगली गेंद विशाल के सर के ऊपर से इसके बाहर ला। अगला ओवर गेंद थोड़ी बाहर थी, विशाल ने पल्ला लगाने का प्रयास। हाँ अगली गेंद, देखना इस गेंद पे क्या होता है। फिर से सेम गेंद, उसी प्रकार से बल्ला चलाया और फिर से कोई संपर्क नहीं। स्ट्राइक पे है पवन, जोर से बल्ला घुमाया पर कोई संपर्क नहीं, सीधे कीपर के।
यहाँ अगली गेंद जोर से बल्ला घुमाया और फील्डर की बहुत अच्छी फील्डिंग, इसलिए बस एक रन मिल पाया। स्ट्राइक पे विशाल थे।